कई दिनों से चलते आ रहे किसान आंदोलन और किसानों के 3 बिलों को लेकर विरोध के चलते संभल में भी साइमा खान ने किसान विरोधी बिल के लिए संभल मुरादाबाद रोड पर एकता विहार में प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया। जिले पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया, जिस पर साइमा खान का कहना था कि किसान विरोधी यह बिल सरकार को वापस लेने चाहिए। सरकार इस तरह का कार्य कर रही है जैसे अंग्रेजों के जमाने में किया गया था। उस समय भी क्रांतिकारी लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। साइमा खान का कहना था कि जिस तरह से अंग्रेजों के दौर में लोगों को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं था, जो आवाज उठाता था उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, वैसे ही आज हम प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे लेकिन हमें रोक दिया गया, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को उठाने नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि हम उनके रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि हम वह भारतीय हैं जिन्होंने अंग्रेजों का 200 साल तक डटकर मुकाबला किया था। आज हम इस बिल को लेकर सरकार से वापस लेने का अनुरोध बराबर कर रहे हैं, पर सरकार है कि हमारी आवाज को दबा रही है। इस बिल के अनुसार किसानों को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो अब सिंधु बॉर्डर पर जाकर किसानों को समर्थन देंगे। ये हमारा किसान विरोधी 3 बिलों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है और मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से हूँ और हमें यहाँ प्रोटेस्ट आज करने नहीं दिया गया है, पुलिस ने रोक लिया गया है। जो कि जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म किया था, जो भी आवाज़ उठाता था उसकी आवाज़ों को दबा दिया जाता था, ऐसे ही ये सरकार हमारे साथ कर रही है, हमें आवाज़ भी नहीं उठाने दे रही है। पर इनके दबाने से या उससे हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम वही भारतीय हैं जिन्होंने 200 साल तक लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों को भगाया था और अपनी आज़ादी पाई थी। आज फिर हम इन तीनों काले कानून को वापस कराएंगे और हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी और आज आपने कहाँ पर प्रोटेस्ट किया था? आज हमने संभल के एकता विहार के बाहर प्रोटेस्ट किया था पर हमें पुलिस ने नहीं करने दिया गया है और अब आगे हम दिल्ली जाकर समर्थन देंगे, सिंधु बॉर्डर पर जाके हम समर्थन देंगे। संगठन में किस पोस्ट पे हैं आप? जी मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से हूँ। अच्छा अच्छा, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपका पूरा संगठन, क्या जो किसानों का आंदोलन चल रहा है? हमारा संगठन पूरा ऑल इंडिया संगठन है और ये हर जगह पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन शुरू हो चुका है और पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन चल रहा है।